अच्छा ठीक है ना हारून। अस्सलाम वालेकुम। हारून एक मिनट होगा। अस्सलाम वालेकुम अरसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कुर्बान आप हैं? आप ही अम्मी के कमरे में होंगे, मैं बुला दूं? नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं देख लेता हूं। चलिए ठीक है। हाँ बोलो। क्यों? कहाँ गई? अम्मी की तरफ, बता के तो गई थी आपको। हाँ, अम्मी के घर से क्या लेकर आए? जरूर कुछ ना कुछ तो लेकर आई होगी ना, तावीज, धागा, रेत या मट्टी। क्या हो गया आपको? ये सब मैं नहीं करती, आपकी बहू करती है, अलीना। कितना झूठ बोलोगी, कितने इल्जाम लगाओगी अंबर? तुम्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं है? और अभी चंद दिन पहले तुम्हारी वजह से मुमताज चली गई और तुम वापस से वही हरकतें वही बातें कर रही हो। मेरी वजह से नहीं, हमारी वजह से। अगर आप मुझे उनकी मौत की वजह समझती हैं तो आप भी बराबर की शरीक। बकवास बंद करो तुम। तुम ही मुझे बहलाकर फुसलाकर वलगराकर लेकर गई थी ना, पहले उल्टी सीधी हरकतें करके ना दूसरों पे डालती थी, और अब अपना जुर्म किसी और के जिम्मे लगा रही हो। ना मैंने कोई गुनाह किया है ना ही कोई गलती, इसलिए मेरे पे इल्जाम लगाना बंद करें आप। मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से तुम्हें तावीज जलाते हुए देखा था, और खाने में राख मिला रही होती हो, लेकिन फिर भी मैं खामोश रही, कुछ नहीं बोली। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे तो फौरन ये बात फरहान को बता देनी चाहिए थी। वो तुम्हें, आपको क्या लगता है उसको कुछ नहीं पता? और अगर आप उसको कुछ बता भी देंगी तो क्या होगा? आप भूल गई हैं, मैं इस घर की आधी मालकिन हूँ, कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने मुझे तावीज जलाते हुए देखा तो आपने नहीं सोचा कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? अम्मी, मैं ये सब कुछ बच्चे के लिए कर रही हूँ, ताकि मैं आपको आपके खानदान का वारिस दे सकूं। अरे तुम्हारी ये बेतुकी बातों में ना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि औलाद अल्लाह की देन है, इन तावीजों से कुछ नहीं हो सकता। और अगर फिर भी तुम इन चीजों में मुब्तला हो गई हो तो फिर तुमने अलीना पे इल्जाम क्यों लगाया बताओ मुझे? तुम खुद एतराफ कर सकती थी ना, जैसे अब कर रही हो। मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, अगर मैं बता देती तो इसका असर ही खत्म हो जाता। पहले मुझे तुम पे तरस आता था, लेकिन अब इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं काबू नहीं कर पा रही हूँ। तो कर जाए काबू अम्मी, बिल्कुल सबर के घूंट की तरह, क्योंकि कर तो आप कुछ नहीं सकते। और फिर भी अगर आपको फरहान को बताना है तो जाए बता दे, वो भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आखिरकार उसको भी तो हालात चाहिए। अम्मी आप समझे, हारून के घर भी तो बच्चा होने वाला है, फरहान को भी तो कमी महसूस होती होगी। तुम्हारी इत्तला के लिए एक बात बता दो कि अलीना प्रेग्नेंट नहीं है, तो ये गुस्सा चिड़ना विड़ना खत्म करो, कोई फायदा नहीं इससे। लेकिन इंशाल्लाह वो खुशखबरी जरूर मिलेगी हमें, और जल्दी मिलेगी। लेकिन जो तुम कर रही हो ना, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला।